मेरा नाम बिलाल अहमद भट्ट है, मैं यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। जो यहाँ पे एकेडमीज आई थी उसमें से टंगमर्ग साइड से हमारे बच्चे थे, कुपवारा के थे और बड़गाम साइड के थे, श्रीनगर से भी दो चार लड़के आए थे यहाँ पे। और जो हमारा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे जो है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं। हम स्पोर्ट्स में हमसे गुजारिश करते हैं कि वो हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, ये क्योंकि ना तो किकिंग पैड्स है ना कुछ, अगर मार्शल इक्विपमेंट्स इनको मिलेंगे तो ये बहुत आगे जाएंगे। ये कल को नेशनल लेवल खेलते, इंटरनेशनल लेवल खेलते, इनको सम्मान नहीं किया जाता किसी जगह, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये प्राइवेट एसोसिएशन से है। ये प्राइवेट एसोसिएशन आजकल जो जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन चल रही है J&K में, उनका उनमें से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, आज तक इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। जैसे आप बात करें, मैम की बात करें, मेरा नाम अफरोजा है, फ्रॉम पैटन, मेरी एकेडमी ब्लैक फर्स्ट मार्शल आर्ट। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स को, ये सब यहाँ आए, इनको अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। पता है क्या है, जो बच्चों में डर होता है ना, जब पहले आते हैं ना इस फील्ड में, तो उनको लगता है हम नहीं खेल पाएंगे। जब वो एक दूसरे को जानते हैं, सब आते हैं ना इस फील्ड में, तो भी उनका हुनर बढ़ता है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, वो मत डरे, आगे आए, हिम्मत मत हारिए। जी, मेरा नाम अफशाना असद है। मैं पहले मतलब जब इसमें मतलब जब मैंने हिस्सा लिया कि मैं इसमें खेलूंगी, पार्टिसिपेशन जब मैंने की इसमें, तो फिर मुझे लगा पहले मतलब जैसे मैं मतलब मैम ने कहा कि तुम पहले खेलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर मैंने खेला, मैम ने कहा, फिर मैंने मतलब फिर मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर आज मैंने खेला तो मैंने गोल्ड निकाला है, तो अब मुझे डर नहीं लगता है। फिर मैं आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं बता भी नहीं सकती। ये मैसेज जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया आरिफ है, मैं करालगुन मार्शल आर्ट आशिक मार्शल आर्ट जो ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। जी, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सभी लड़कियों के साथ, मतलब लड़कियों के लिए, कि आप आओ मतलब इस हमारे मतलब इस सेल्फ डिफेंस के लिए आओ। कल को आप बाहर निकलोगी, आपके मम्मा पापा आपके साथ नहीं, आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप इस मतलब हमारी एकेडमी ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत इससे फिजिकल फिटनेस मेंटल। माईसेल्फ मुस्कान हसन फ्रॉम मंडीगाम काजियाबाद, स्टूडेंट ऑफ ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल बिचरवाड़ा से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मेरी मैसेज यही गर्ल्स को रहेगी कि आप मार्शल आर्ट में ज्वाइन करो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी और मेंटली भी फिजिकली भी फिट रहते हैं गर्ल्स। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आजकल की जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में। मैं ये मैसेज ये नहीं मतलब ये भी ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी मार्शल आर्ट में ज्वाइन हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम गौसिया रियाज है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं टाइकोंडो खेलती हूँ। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आपको इसमें खेलना चाहिए, बिकॉज आप कल बाहर जाओगे, आपके साथ आपके मम्मी पापा नहीं होंगे, भाई बहन नहीं होंगे, इसीलिए आपको खेलना, आपको खुद लड़ना है, लड़ना सीखना है, और हर किसी से लड़ने की बात करनी है, किसी को भी सपोर्ट करना है, सबको सपोर्ट करना है। और मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैं सबके माँ बाप को यही बोलना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए।